देखो ये जो क्वेश्चन है ठीक से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा है लेकिन अच्छा है। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस। ये जो मिस्टर कासम है ना, एक स्मॉल बिजनेस रन करते हैं, उनका एक छोटा सा बिजनेस है। ओके, तो ये बिजनेस में क्या करते हैं, मेकिंग अ अर्थन पॉट, कुछ अर्थन पॉट्स वो बनाते हैं मिस्टर कासम। ओके, ये हमारे मिस्टर कासम हैं, ये कुछ अर्थन पॉट्स बनाते हैं इस तरह के। ओके, कुछ पॉट्स बनाते हैं, ऐसे रहते हैं ना पॉट्स हमारे, इस तरह के पॉट्स बनाते हैं समझो। ओके, कुछ बनाते हैं। तो ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। हर रोज एक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं, एक तो 10 तो 10, 20 तो 20, 6 तो 6, 8 तो 8, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉट्स वो हर डे बनाते हैं, हर एक दिन में बनाते हैं। अभी आगे क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। हर एक पॉट बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, वो बनाने के लिए कुछ पैसा लगता होगा, खर्चा लगता होगा, तो वो कितना है खर्चा, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक इन वन डे। तो क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट, 40 रुपीज प्लस 10 टाइम, बोले तो 10 × 10 से मल्टीप्लाई करना, किसको 10 से मल्टीप्लाई करना, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक इन वन डे, एक दिन में जितने पॉट्स बनाता है वो इंटू 10 + 40, इस इतना प्रोडक्शन कॉस्ट है एक पॉट बनाने का। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, सभी पॉट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 600 रुपीज। जितना वो बनाता है डेली बेसिस में पॉट्स, वो बनाने का टोटल खर्चा कितना है, 600 रुपीज आता है। ओके, देन द फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। तो हमें क्या करना है, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है और उसी के साथ नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, वो एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है वो निकालना है। तो क्वेश्चन समझने में इतना टाइम गया, क्वेश्चन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, कितना पॉट बनाता है उसको हम एक्स कहेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पॉट्स, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे। समझो ये आदमी एक दिन में एक्स पॉट बनाता है एक दिन में। ओके, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट अभी निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, एक दिन में वो कितना पॉट बनाता है उसको हम एक्स कहेंगे, और उसके साथ हमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट का ऑफ वन पॉट। ओके, और ईच पॉट लिखा तो भी चलेगा, वन पॉट। अभी एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, देखो यहाँ लिखा है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 है ना, तो 40 लिखो 40। उसके बाद क्या है, मोर देन बोले तो प्लस, लेस देन बोला होता तो माइनस, मोर देन बोले तो प्लस, 10 टाइम्स बोले तो 10 को लिखो और इंटू है ना 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक वन डे। 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को मल्टीप्लाई करना है जो एक दिन में बनाता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना है, एक्स है, एक दिन में वो एक्स पॉट बनाता है। तो इसलिए एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, तो 40 + 10x है। ये दो चीज़ें आ गई ना तो आप जीत गए, बाकी इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ लेना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझने के बाद उसमें क्या दिया है उसको लिखना जरूरी है, उसके बाद क्या दिया है वो लिखने के बाद हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो ये दो चीज़ें लिखी, पहला मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे एक्स, समझो वो एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है, और उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट 40 है, मोर देन है बोले तो प्लस है, 10 टाइम्स है बोले तो 10 है,
नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक वन डे, मतलब वन डे में बनाए हुए पॉट एक्स है, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो गए, ये नंबर ऑफ पॉट्स हो गए। अभी क्या है और आगे क्या दिया है देखो, इसको लेकर इक्वेशन बनाना है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। ये सेंटेंस को लिखो, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स ही मेक ऑल पॉट्स पर डे इज इक्वल टू 600 रुपीज। अभी सभी जो पॉट्स है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, सब जो ऑल टोटल पॉट्स है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक का प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है ना। समझो मैं टोटल नंबर ऑफ पॉट्स वो 8 बनाता है और एक पॉट बनाने के लिए 10 रुपया खर्चा आता है, तो टोटल देखो टोटल उसने कितने पॉट बनाए हैं समझो 8, और एक को बनाने में 10 रुपये जाता है, तो 8 को बनाने में कितने रुपए जाएंगे, 8 × 10 = 80 बराबर। समझो ये आदमी 6 पॉट बनाता है, एक पॉट बनाने में 200 रुपये खर्चा आता है, तो 6 पॉट बनाने में कितना आएगा, 1200 रुपये खर्चा आएगा, एकदम सीधा साधा हिसाब है। उसी तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, सभी पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट 60 दिया है, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगा कि एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ पॉट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट ये 40 + 10x इनटू टोटल नंबर ऑफ पॉट एक्स, ये दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये 600 मिलेगा। सो देयरफॉर में मेरा इक्वेशन बनेगा एक्स इंटू 40 + 10x इज इक्वल टू 600। तो अभी यहाँ से आपका कार्यक्रम चालू होगा एकदम इजी तरीके से, x से ये 40 + 10x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, x इंटू 40 x प्लस x इंटू 10x² इज इक्वल टू 600। अभी क्या होगा, मैं 10x² को अपने जगह पे लिखूँगा, उसको कुछ धक्का नहीं देगा, पहले मेरे को x² लिखना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहला 10x² लिखा, उसके बाद में 40x लिखूंगा, फिर 600 प्लस है, ये बाजू में आए -600 हो गए इज इक्वल टू 0 हो गए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 10, 40 और 600 ये सबको मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, सबको 10 से डिवाइड किया तो यहाँ ओनली x² रह गया, 40 को 10 से डिवाइड किया 4x रह गया, -600 को 10 से डिवाइड किया 60 रह गया इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो 60 जो है उसको मैं एक बाजू में लेके जाऊंगा और उसके फैक्टर्स निकालूंगा, क्या आएंगे, 15 × 4 = 60, 32 × 60, 10 × 6 = 60, 61 × 60, इतने सारे फैक्टर्स आते हैं। ओके अभी इन फैक्टर्स में से मेरे को खाली एक नंबर को, एक पेयर को लेना है, किसको, 60 से पहले माइनस साइन है, तो जिनका सब्ट्रैक्शन 4 आता है, किसका सब्ट्रैक्शन 4 आता है, 10 और 6 का, तो मेरे को मिल गए 10x और 6x मिल गए, चलो ये दोनों को मैं लूंगा। अभी मेरे को ये दोनों को साइन देना है, इसका मतलब एक को साइन देना है, कौन सा साइन देना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है, इसका मतलब एक को प्लस साइन देना और एक को माइनस साइन देना, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसे कौन सा साइन देंगे, जो 4x के पहले प्लस है वो प्लस साइन जो है वो बड़े नंबर को, और जो रह गया माइनस का वो छोटे नंबर को, तो यहाँ होगा x² + 10x - 6x, 4x की जगह पे लिखा 10x - 6x और -60 इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा देखो, ये दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा बिकॉज x कॉमन दिख रहा है, और x² में से x रह गया प्लस रह गया, 10x में से x बाहर ओनली 10 रह गया। ओके अभी 6 और 60 दोनों को मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, किससे, 6 से, 6 के टेबल में आते, तो -6 कॉमन निकाला, x अपने जगह पे रह गया, 6 तो बाहर है, अभी ये माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के माइनस का प्लस होगा, और 6 × 10 = 60 = 0,
जो ये ब्रैकेट में वही ही ये ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट है या फिर हमारा आंसर रॉन्ग है ऐसा समझ जाने का। आगे क्या करेंगे, x प्लस टेन दो बार है उसे एक ही बार लिखो x प्लस टेन को, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस सिक्स को लिखो, x माइनस सिक्स लिखो इज इक्वल टू जीरो। अभी दो आंसर x प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो और x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दो आंसर आएंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू टेन प्लस वो बाजू में गया माइनस टेन, और x इज इक्वल टू माइनस सिक्स वो बाजू में गया प्लस सिक्स। अभी हमारे पास नंबर ऑफ पॉट्स या किसी भी चीज का जो नंबर है वो कभी भी निगेटिव में नहीं रहता, पॉजिटिव रहता है। तो x इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, सिक्स लूंगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू सिक्स। अगर x सिक्स होगा तो हमें क्या निकालना है, पहले फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट या फिर वन पॉट, वो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट 40 प्लस 10x है, बराबर 40 प्लस 10 इंटू एक्स कितना है मेरे पास भाई, 6 है। ओके, तो 40 प्लस 10 60 प्लस 60 100, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अभी सेकंड क्या है, देखो सेकंड चीज क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, एक दिन में वो कितना पॉट बनाता है वो लिखना है। ओके, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक वन डे, डायरेक्ट लिखता हूँ नंबर ऑफ पॉट। नंबर ऑफ पॉट क्या है, x है, और x की वैल्यू क्या है, 6 है, इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये आदमी एक दिन में 6 पॉट बनाता है, और एक पॉट बनाने के लिए खर्चा कितना आता है, 100 रुपीज आता है, 100 × 6 600 आता है, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके,